नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट की कहानी और साथ ही साथ बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को एमिली मॉरिसन और विलियम वुड के घर लंदन में यानी यूके में हुआ था और उनकी मौत 20 सितंबर 1933 को मद्रास भारत में हुई थी। वह एक ब्रिटिश समाजवादी, महिलाओं के अधिकार कार्यकर्ता, थियोसोफिस्ट, वक्ता, लेखक के साथ साथ आयरिश और भारतीय स्वशासन की समर्थक थी। महज 19 साल की उम्र में एनी ने फ्रैंक बेसेंट के साथ शादी कर ली, लेकिन धार्मिक मतभेदों के कारण अपने पति से जल्द ही वह अलग हो गईं। बता दें कि तलाक के बाद एनी राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष सोसाइटी के लिए एक प्रसिद्ध लेखिका और वक्ता बन गई। साल 1898 में एनी ने भारत की यात्रा की और 1902 में उन्हें सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद मिली। 1907 में वह थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और भारतीय राजनीति में शामिल हो गई और जल्द ही वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। लंदन में एक मिडिल क्लास में जन्मी एनी ने महज 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। एनी की मां काफ़ी मेहनती थी और अपने परिवार को चलाने के लिए हेरो स्कूल में लड़कों के लिए बोर्डिंग हाउस चलाती थी। एनी को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए उनकी मां देखभाल करने के लिए अपने दोस्त एलन मेरिट के पास उन्हें ले गई। 20 साल की उम्र में एनी ने 26 साल के पादरी फ्रैंक बेसेंट से शादी की। एनी हमेशा उन कारणों के लिए लड़ती रही जिन्हें वह सही समझती थी। वह 2 बच्चों की मां थी और वह अपने दोनों बच्चों से संपर्क रखती थी। बेसेंट एक शानदार सार्वजनिक वक्ता भी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट। एक आयरिश मूल की महिला एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वह महान महिला थी जिन्होंने देश को बनाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने पति से अलग होने के बावजूद वह अपने थियोसफी से संबंधित धार्मिक आंदोलन के माध्यम से भारत आई, जिसके बाद वह एक नेता बन गई। वह 1893 में भारत आने के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहराई से शामिल हुई और उन्होंने यहाँ बसने का फैसला कर लिया। वह भारत में सामाजिक कार्यों के लिए चलाए गए अपने कई अभियानों में सफल रही। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।